बंगाल में तमलुक लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार अभिजीत गंगा उपाध्याय ने इस महीने की शुरुआत में अपने खिलाफ दायर एक FIR को चुनौती देते हुए सोमवार को उसी अदालत की एकल न्यायाधीश पीठ का दरवाज़ा खटखटाया, जहां वो पहले कभी जज थे। न्यायमूर्ति जयसेन गुप्ता की एकल न्यायाधीश पीठ ने याचिका स्वीकार कर ली है। मामले की आज सुनवाई होनी है। अपनी याचिका में कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश गंगा उपाध्याय ने FIR रद्द करने की मांग की। उनका कहना है कि इससे उनके चुनाव प्रचार में बाधा आ सकती है। 25,753 शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों के एक वर्ग ने भाजपा नेता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद 5 मई को IPC और शस्त्र अधिनियम की विभिन्न गैर जमानती धाराओं के तहत तमलुक थाने में FIR दर्ज की गई थी। शिकायत करने वाले वो लोग हैं जिन्होंने हाईकोर्ट के आदेश के बाद अपनी नौकरी खो दी है। शिकायत की जड़ तमलुक में भाजपा समर्थकों द्वारा निकाला गया जुलूस था, जब गंगा उपाध्याय 4 मई को एक उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे थे, जब जुलूस उस क्षेत्र से गुजरा जहां बर्खास्त स्कूल कर्मचारी कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो तनाव शुरू हो गया। FIR दर्ज होने के तुरंत बाद गंगा उपाध्याय ने कहा कि फर्जी आरोपों पर आधारित ऐसी FIR काफ़ी आम है और वो इसके परिणाम का सामना करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मैं देखना चाहता हूं कि जो लोग इस तरह की फर्जी आरोप लगा रहे हैं वो कब तक कानून के शिकंजे से बच सकते हैं। अब देखना यह है कि कोर्ट अभिजीत गंगोपाध्याय की याचिका पर कितना अमल करता है, क्या FIR कोर्ट रद्द करता है, कि FIR की वरीयत को बरकरार रखता है, ये तो अब कोर्ट ही तय करेगा। आगे इस मामले से जुड़े जो भी कुछ होता है हम इसकी जानकारी आप तक पहुँचाते रहेंगे।